एलएनपी रिन्यूएबल सिस्टम ट्रिप आप सब लोग का स्वागत करवा रहे हैं। आज हम लोग एमएपी बेसिक्स पार्ट टू के बारे में देखने वाले हैं। अगर आप पार्ट वन को मिस किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। हमारे चैनल में हम लोग एमएपी बेसिक्स पार्ट 1-12 हिंदी बोल के एक प्ले लिस्ट बना के रखें, उसके अंदर जाके मोस्टर पार्ट का आप देख के समझ सकते हैं। हमारे डिस्कशन में मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग रिलेटेड सिम्बल्स एक्रोनिम्स शॉर्ट फॉर्म्स हम लोग यूज़ करने वाला है, उसका डिटेल्स हम लोग इसमें दे चुका हूँ। अगर इसके बारे में आपको कुछ डाउट आ रहे तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो के ये पार्ट को रेफर करके समझ सकते हैं। ओके, पार्ट टू में क्या क्या चीज़ हम लोग देखने वाला है, मतलब एक फायर फाइटिंग एक्टिविटी, ओके, वो उसका फ्लो डायग्राम के बारे में हमको देखने वाला है, मतलब क्या क्या एक्टिविटीज़ उसके अंदर आएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आप कोई भी सिस्टम है, ठीक है, आप सिविल टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके आपका काम कर सकते हैं, ठीक है। हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग एंड सिविल टीम का इंटरफेस चार्ट का बारे में हम लोग देखने वाले हैं। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एंड सिविल सिविल टीम का साथ इंटरफेसिंग चार्ट्स का बारे में हम देखने वाला है। प्लम्बिंग टीम एंड सिविल इंटरफेस है ना, उसका साथ हमारा चार्ट कैसा है बोल के हम लोग देखने वाला है। ओके, सो फर्स्ट फायर फाइटिंग उसका फ्लो डायग्राम के बारे में देखिए तो कोई भी एक्टिविटी फर्स्ट मेटेरियल सबमिटल से शुरू हो जाएगा। सो मटेरियल्स में आप क्लैरिटी देना पड़ेगा क्या क्या मटेरियल्स यूज़ करने वाले हैं, उसका क्वालिटी क्या है, उसका कोड्स क्या है, उसका स्टैंडर्ड क्या है बोल के आपको क्लैरिटी में देना पड़ेगा। कौन सा चीज़ का हिसाब से उसको बना रहा है बोल के आप बताना पड़ेगा। फिर मटेरियल को वो कंसल्टेंट को बाद सबमिट करना पड़ेगा, वो रिव्यू करेगा, उसका कुछ कमेंट्स है तो आपको दिएगा, आप उसको ठीक करके दोबारा रिसबमिट करना पड़ेगा। सबसे लास्ट में वो अप्रूवल दिएगा। वो मटेरियल अप्रूव होने के बाद आप मटेरियल प्रोक्योरमेंट को प्लान कर सकते हैं, मतलब कभी वो मटेरियल का ज़रूरत है आपको साइट में कभी चाहिए, उसी के हिसाब से आप प्लान करके शेड्यूल करके उसको लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द ड्राइंग सबमिट, मतलब हमारा वो मटेरियल को कौन सा लोकेशन में आप इंस्टॉल करने वाले, कैसा उसको इंस्टॉल करेगा बोल के वो सब क्लैरिटी आप ड्राइंग में देना पड़ेगा, उसको भी रिव्यू करेगा, उसमें कुछ कमेंट्स है तो ओके वो आपको पूछेगा। ओके, आप उस क्या कर सकते हैं, वो उसका डाउट्स को क्लैरिफाई करके रिप्लाई दे सकते हैं। वो सबसे लास्ट में क्या करेगा, वो मटेरियल को वो ड्राइंग को सबमिटर को अप्रूवल दिएगा, उसके बाद आप फर्स्ट वीक को कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ये फायर रिलेटेड एक्टिविटी है, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सिविल डिफेंस का अप्रूवल लेना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कभी भी आपका बेसिक ड्राइंग अप्रूवल मिल रहा है, इमीडिएटली आपको सिविल डिफेंस को भेजना पड़ेगा, वो रिव्यू करेगा, क्योंकि हमारा इंडिया में अगर फायरमैन आ रहे हैं तो गल्फ कंट्रीज में सिविल डिफेंस ही फर्स्ट आएगा। हमको मोस्ट इंपॉर्टेंटली ड्यूरिंग फायर सिनेरियोस हर एक बंदा को रक्षा करने के लिए सिविल डिफेंस का टीम ही आके रक्षा करेगा। सो वो उसका बाद एक डिटेल्स देना पड़ेगा हमको, ठीक है, वो ड्राइंग्स लेके उसके हिसाब से वो रिव्यू करेगा, उसका कुछ स्टैंडर्ड्स में कुछ दिक्कत वो कुछ कमेंट देगा, उसको भी आप टिक करना पड़ेगा। फिर वो क्या करेगा, इंस्पेक्शन को आएगा। सो कभी भी फर्स्ट इंस्पेक्शन में कोई भी बिल्डिंग्स को अप्रूवल नहीं दिएगा, वो रिव्यू करेगा, कुछ ना कुछ कमेंट्स दिएगा, ठीक है, उसको टिक करने के लिए बताएगा, हमको टिक करना पड़ेगा, वो क्या क्या चीज़ बोल रहा है वो सबको हमको फॉलो करके कंप्लाई करना पड़ेगा। सो उसके बाद ओके, बड़ा बहुत बड़ा फ्लोर से तो 3-4 इंस्पेक्शंस करेगा, छोटी मोटी फ्लोर से तो भी लगभग अगर आप बहुत अच्छा से प्रिपेयर है तो भी उसके हिसाब से वो इंस्पेक्शन करके आपको अप्रूवल दिएगा। सो सबसे लास्ट में ओके, इसके बीच में आप सेकेंड फिक्स इंस्टॉलेशन थर्ड फिक्स इंस्टॉलेशन है ना कर सकते हैं। सबसे लास्ट में फाइनल इंस्पेक्शन के लिए वो हर एक इक्विपमेंट का हर एक इक्विपमेंट का इंस्पेक्ट करेगा, हर एक इक्विपमेंट सिविल डिफेंस का अप्रूव मिल रहे थे उसके बाद ही आप फाइनल कमिश्निंग कर सकते हैं, उसको फाइनल हैंडओवर कर सकते हैं, ठीक है। अगर अभी हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम उसका एक्टिविटी सब करने के लिए प्लान कर रहे तो एक प्रीडिसर सिविल एक्टिविटी है, वो कंप्लीट करने के बाद एक सक्सेसर सिविल एक्टिविटी भी है। मान लो ब्लॉक वाला बना रहे थे, उसके बाद आप डक्टिव चिल वाटर हैंग आउट्स एंड सपोर्ट्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, सप्लाई डक्ट, रिटर्न डक्ट, प्रेशर डक्ट, एग्जास्ट डक्ट आप इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद वेरिएबल एयर वॉल्यूम यूनिट्स, फैन कॉइल, उसका डैम्पर्स आप इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आप फॉल सीलिंग ग्रिड वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। एंड सेम वे में भी चिल्लर्स के लिए आप प्लान कर रहे थे भी ब्लॉक वॉल का बाद चिल वाटर पाइपिंग करने का, हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्ट आप चिल वाटर पाइप्स के लिए करना पड़ेगा। उसके बाद उसका इंसुलेशन, स्पेशली किधर भी चिल वाटर पाइप्स जा रहा है, FCUs, एयर हैंडलिंग यूनिट्स किधर किधर जा रहा है, उसको इंसुलेशन देना पड़ेगा। उसके बाद आप फॉल सीलिंग ग्रिड वर्क को कर सकते हैं। ओके, फॉल सीलिंग ग्रिड वर्क करने के बाद आप ग्रिलर के सीलिंग डिफ्यूशर्स ये सब चीज़ इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आप फाइनल पेंटिंग करना पड़ेगा। सेम में भी अगर आप इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी करवा रहे हैं तो भी कोई भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कर रहे हो, उसके पहले एक सिविल एक्टिविटी हो जाएगा, उसके बाद एक सिविल एक्टिविटी हो जाएगा। सो पहले वाला तो मतलब रीइंफोर्स्ड कॉन्क्रीट तो भी आप एमएपी कॉन्ड्यूट्स को इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके बाद कॉन्सेंट्रेटेड कॉन्क्रीट का अंदर इसका फेमस कर सकते हैं।
अगर ब्लॉक वाले तो भी आप क्या कर सकते हैं, चेसिंग के लिए मार्क कर सकते हैं, ओके, आपको कॉन्ड्यूट्स को, डीबीज को, इनक्लोशर्स को, ट्रंकिंग एंड ट्रेस को, ये सब के लिए आप प्रोविजंस उसके अंदर बना के उसके बाद प्लास्टर सब दे सकते हैं, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्लास्टर के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप लाइटिंग के लिए, पावर के लिए, लो करंट सिस्टम के लिए वायरिंग कर सकते हैं, उसके बाद फॉल सीलिंग ग्रिड वर्क आप कर सकते हैं। सेम वे में भी आप पावर एंड टेस्टिंग के लिए केबल ले सकते हैं, लो करंट एंड टेस्टिंग के लिए भी केबल्स ले सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, फॉल सीलिंग ग्रिड वर्क को कलास कर सकते हैं। आप कभी पेंट, अगर मान लो कभी भी आप इनिशियल पेंट देने के बाद ओके डीबी को इंस्टॉल करने का, उसको डिस्क करने का, टर्मिनेशन करने का, सेम वे भी आइसोलेटर्स का टर्मिनेट करने का, उसका केबलिंग देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप फॉल सीलिंग ग्रिड वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। फॉल सीलिंग ग्रिड वर्क कंप्लीट करने के बाद ही आप लाइट फिटिंग्स, लो करंट इक्विपमेंट्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, स्विचेस को, सॉकेट्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, सबसे लास्ट में आप फाइनल पेंट दे सकते हैं। अगर मान लो एक प्लम्बिंग एक्टिविटी आप करवा रहे हैं, उसका इंटरफेस चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कभी भी एक सिविल एक्टिविटी आ जाएगा स्टार्टिंग में, उसके बाद ही एक प्लम्बिंग एक्टिविटी, उसके बाद एक सक्सेसर सिविल एक्टिविटी भी आ जाएगा। सो कॉन्क्रीट का अंदर आप आपका पाइप्स, स्लीव, कॉन्क्रीट स्लैब्स सब कुछ अंदर रख के उसके बाद कॉन्सेंट्रेटेड स्लैब लगाना पड़ेगा। अगर ब्लॉक वॉल आप प्रिपेयर कर रहे तो आप कंसील्ड वाटर, सैनिटरी पाइप्स, ब्लॉक सिस्टम बना के उसके बाद प्लास्टर करना पड़ेगा। ब्लॉक वॉल के बाद अगर मान लो सैनिटरी पाइप को इंस्टॉल करवा रहे हैं, हॉट एंड कोल्ड वाटर पाइप को इंस्टॉल करवा रहे हैं, तो वो पाइप्स को टेस्ट करने के बाद ही आप फॉल सीलिंग ग्रिड वर्क को क्लोज कर सकते हैं। वॉल्स में आप टाइलिंग के लिए प्लान कर रहे हो तो इलेक्ट्रिक वाटर हीटर उसके बाद इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके बाद ही आप फॉल सीलिंग वर्क को कंप्लीट करने का। अगर फ्लोर स्क्रीनिंग आप करवा रहे हो तो आप फ्लोर ड्रेन पाइप्स को फिक्स करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप फ्लोर टाइलिंग कर सकते हैं, ठीक है। फ्लोर टाइलिंग के बाद आप क्या कर सकते हैं, सैनिटरी वेयर को फिक्स कर सकते हैं, सबसे लास्ट में फाइनल पेंटिंग आप कर सकते हैं। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो, आपको वीडियो पसंद है तो भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। हमारे कॉन्टैक्ट्स में दे चुका हूँ, हम लोग पीएलसी प्रोग्रामिंग ट्रेनिंग स्पेशली सीमेंस, एलन ब्रडी, डेल्टा पीएलसी के लिए दे रहे हैं। अगर आप जीसी के इसलिए कहते हैं सऊदी दुबई में काम करने के लिए प्लान लें, स्पेशली बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, बिल्डिंग ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम, एमईपी कोऑर्डिनेशन रिलेटेड वर्क्स, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजीज, मोस्ट इंपॉर्टेंटली पाइथन प्रोग्रामिंग, पीएवी सिस्टम, ये सबका बारे में आप समझने के बाद काम करने के लिए प्लान होती है, आप प्रोडक्ट उसमें हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। ईवी पावर बिल्कुल अवेलेबल नहीं, उसी जगह में सोलर डीसी लाइट सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए भी आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपके पास एग्रीकल्चर फार्म है, उसको आपको क्रॉप्स को रक्षा करने के लिए इंस्टॉल गोइंग फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, इंस्टॉल गोइंग फ्रॉम नॉर्मल फेंसिंग, आप सोलर फेंसिंग लगा सकते हैं। हम लोग सोलर ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड एलोकेशन, सोलर स्टडीज, सोलर पंप्स, इसका डिजाइन, इंस्टॉलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंसल्टेंसी, ट्रेनिंग सपोर्ट हम लोग दिएगा। धन्यवाद।